ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रेशर एंड विंड्स. आप लोगों को मैंने कल जो है या लास्ट पीरियड में जो है लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के बारे में बताया था. लैटिट्यूड इज जस्ट सिमिलर टू योर एल्टीट्यूड, इक्वेटर. ठीक है, एल्टीट्यूड नॉट एल्टीट्यूड, इक्वेटर. लैटिट्यूड इज सिमिलर टू इक्वेटर एंड एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड यानी समुद्र तल से ऊंचाई. समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था कि इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर्स. इंडिया ऑल्सो हैव अ वास्ट कोस्टल एरिया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर्स. द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट. देखिए, इसको मैं एक मैप के सहारे से आपको फिर से द्वारा बता देती हूँ. देखिए, आपका मैप है ये इंडिया का. यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका माउंटेनियस एरिया है. ठीक है, फिजिकल फीचर में आपका जो आपका रिलीफ बताया था, जो रिलीफ फीचर्स हैं, रिलीफ फीचर्स यानी फिजिकल फीचर्स, जिसमें माउंटेन है आपका, सेकेंड है नदन प्लेन्स है, फिर सदन प्लेट्यू है, फिर कोस्टल प्लेन्स हैं, दीज आर कोस्टल प्लेन्स, और उसके अलावा आपके द्वीप हैं, आइसलैंड्स. ठीक है, ये आपके डेजर्ट हैं, ये अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं. तो ये भी जो है आपके क्लाइमेट को जो है प्रभावित करते हैं. एलिमेंट्स अफेक्टिंग या क्लाइमेट कंट्रोलर्स, ये सारे आपके क्लाइमेट कंट्रोलर्स हैं, एलिमेंट्स हैं. तो जिसमें आपने पहला पढ़ा था लैटिट्यूड, दूसरा था एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड कुछ इसी तरीके से है. ये है ये है आपका पहला माउंटेन्स. ठीक है, तो माउंटेन्स की एवरेज हाइट आपके यहाँ जो है 6000 मीटर्स तक की है. तो इंडिया ऑल्सो हैज़ अ वास्ट कोस्टल एरिया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज़ अबाउट 30 मीटर. ये जो ये कोस्टल एरिया है, इसका एलिवेशन यानी इसका जो विथ है, ये चौड़ाई 30 मीटर तक की है. ठीक है, ये द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया. ये आपके जो हिमालयन है, क्योंकि हम एशियन कंटिनेंट में लाई करते हैं. ठीक है, हम एशियन कंटिनेंट में हैं, एशिया उपमहाद्वीप में महाद्वीप में रहते हैं भारत. ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ठीक है, नीचे इक्वेटर है. हम नदन हेमिस्फीयर में रहते हैं. नदन हेमिस्फीयर एक दिस इज द सिचुएशन ऑफ इंडिया. जहाँ ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये इंडिया है. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल. ठीक है, ये आपका पूरा ट्रॉपिकल जोन है. ठीक है, तो भारत की स्थिति आप देख सकते हो. इंडिया जो है टोटली पूरा का पूरा भारत आपका नदन हेमिस्फीयर में आता है. ये पूरा हिस्सा नदन हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध, और ये इतना आपका जो है ये दक्षिणी गोलार्ध है. ठीक है, तो पूरा का पूरा नदन हेमिस्फीयर में इंडिया आता है. तो आपका ये देखिए लास्ट लाइन क्या थी, द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया. क्योंकि ये पूरा हम एशिया में रहते हैं. ठीक है, एशियन कंटिनेंट में, नीचे यहाँ इंडिया की सिचुएशन में, ये आपके जो है, क्योंकि ये पेनिनसुलर इंडिया है, तीन तरफ से पानी से घिरा, ये सारा का सारा वाटर बॉडी है. ठीक है, लेकिन आपके इंडिया के ऊपर का नदन हेमिस्फीयर में ऊपर का जो हिस्सा है एशिया में, यहाँ से हवाएं आती हैं, लैंड मास है. ठीक है, इसको हम लोग अभी दूसरे मैप में देखते हैं. यहाँ अब आप देखिए, ये है माउंटेनियस एरिया. यहाँ से जो हवाएं आएंगी एशिया से चल के जो हवाएं आने वाली हैं, वो हवाएं क्योंकि लैंड में से आ रही हैं, भूमि से आ रही हैं, यहाँ पर पानी कोई है नहीं, वाटर सरफेस वाटर बॉडी है नहीं, तो ये जो हवाएं आएंगी वो शुष्क होती हैं. ठीक है, ठंडी भले होंगी क्योंकि पोलर रीजन से हवा आ रही है, ऊपर से आने वाली हवाएं पोल से आएंगी और ट्रॉपिकल रीजन में, सब पोल से होते हुए सब ट्रॉपिकल और बाद में ट्रॉपिकल रीजन में आएंगी. तो ऊपर से हाई प्रेशर से चल कर नीचे आने वाली हवाएं जो हैं लो प्रेशर की तरफ, वो क्या होती हैं, ठंडी होती हैं. तो इनको
जो है ये हमारा जो 6000 तक की ऊंचाई वाले माउंटेन्स हैं, हाँ ये जो हमारे माउंटेन्स हैं ये उनको रोकते हैं, उन हवाओं को अंदर इंटरनल पार्ट में आने से रोकते हैं। तो इस तरफ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है इन माउंटेन्स के, यानी माउंटेन्स के बाहर, लेकिन इंडिया में उस तरह की ठंडी पड़ने नहीं पाती क्योंकि यहाँ पे आने वाली हवाएं सूखी हैं, तो यहाँ बारिश तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी इंडिया में सीजन्स में काफ़ी वेरिएशन है, ठीक है। वो वेरिएशन क्यों है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर्स एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। इन्हीं पर्वतों के हवा के रोके जाने की वजह से सेंट्रल एशिया में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, उसकी अपेक्षा हमारे इंडिया में माइल्डर विंटर्स हमको देखने को मिलती है। उसकी अपेक्षा, हाँ, यहाँ की अपेक्षा, सेंट्रल एशिया की अपेक्षा इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया में हमको माइल्डर विंटर्स देखने को मिलती है, माइल्डर विंटर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है प्रेशर एंड विंड्स, ठीक है। प्रेशर एंड विंड यानी हवा का दबाव। तो द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो भारत में जो भी जलवायु है या वेदर कंडीशंस है, मौसम का जो कुछ भी बदलाव है, वो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, ये जो नीचे कुछ फैक्टर्स हैं इनके द्वारा उनको असिस किया जाता है। पहला है प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। प्रेशर यानि दबाव वाली, दबाव यानि हाई प्रेशर या लो प्रेशर, दैट इज़ विंड्स। एंड सरफेस विंड्स, सरफेस विंड यानि जो पृथ्वी की सतह पर चलने वाली हवाएं हैं, ठीक है। अपर एयर सर्कुलेशन, अपर एयर सर्कुलेशन यानि एटमॉस्फियर में, नॉट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, बल्कि एटमॉस्फियर में चलने वाली हवाएं, पृथ्वी की सतह पर नहीं बल्कि ऊपर एटमॉस्फियर की जो तीन लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फियर, हेमिस्फियर, जो भी हैं, ठीक है, ये एटमॉस्फियर में चलने वाली हवाएं जो हैं उनको प्रेशर से संबंधित रखा जाता है, अपर एयर सर्कुलेशन। फिर आपका आएगा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात, चक्रवात यानी जब तेज़ी से हवा चलती है उसको चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। भारत जो है वो कैसे क्षेत्र में आता है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स वाले क्षेत्र में आता है। नॉर्थ ईस्टर्ली यानि उत्तर पूर्व की तरफ चलने वाली हवाओं के क्षेत्र में, उत्तर पूर्व में चलने वाली हवाएं जो होती हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती हैं, उत्तरी गोलार्ध में। दीज विंड्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दे ब्लो साउथ वर्ड गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरोलिस फोर्स एंड मूव टूवर्ड्स द इक्वेटेरियल लो प्रेशर एरिया। जनरली दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेटेड एंड ब्लो ओवर लैंड, देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन। हेंस इंडिया शुड हैव बीन एन अराइन लैंड बट इट इज़ नॉट सो, लेट अस सी व्हाई। सबसे पहले इसके लिए आपको जो है कोरोलिस फोर्स को जानना पड़ेगा कि कोरोलिस फोर्स होता क्या है। कोरोलिस फोर्स की वजह से ही आपका सब ट्रॉपिकल रीजन से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आने वाली हवाएं जो होती हैं वो जो है दाहिनी तरफ बेंट कर जाती हैं, ठीक है, राइट की तरफ बेंट कर जाती हैं। और सदन की बात हम लोग बाद में करेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की पहले करेंगे, क्योंकि इसमें बताया है कि इसी की वजह से कोरोलिस फोर्स में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं सब ट्रॉपिकल रीजन से ट्रॉपिकल रीजन की तरफ चलती हैं वो हवाएं क्यों जो है अराइड होते हुए भी भारत में हर तरह का मौसम या हर तरह का सीज़न पाया जाता है। अभी बात सर के ऊपर से जा रही होगी, लेकिन कोरोलिस फोर्स वाला आपको मैं डायग्राम पहले दिखाती हूँ तो ये बात समझ में आएगी, ठीक है। बल्कि हम लोग आज उतना ही पढ़ेंगे, बाकी सदर्न हेमिस्फीयर वाला कल पढ़ देंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ही समझ में आएगी, ठीक है। कोरोलिस फोर्स, वैसे आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो पहले देख लेते हैं। कोरोलिस फोर्स एन अपेरेंट फोर्स काउज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन
अपेरेंट फोर्स यानी ऐसा दिखाई देता है, कोरिओलिस फोर्स कुछ ऐसा प्रतीत होता है, किस चीज़ की वजह से? अर्थ की रोटेशन की वजह से। रोटेशन यानी पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी जैसे घूमती है। द कोरिओलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन विंड्स। कोरिओलिस फोर्स की वजह से ही हवाएं जो होती हैं वो डिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट नहीं, डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट यानी डाइवर्ट होना, जिस दिशा में वो चलने की तैयारी में होती है उस दिशा में ना चलकर वो डाइवर्ट हो जाती हैं कोरिओलिस फोर्स की वजह से। तो डिफ्लेक्टिंग विंड्स टूवर्ड्स द राइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, एंड टूवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में टू लेफ्ट की तरफ चली जाती हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज फेरल्स लॉ। तो कोरिओलिस फोर्स या फेरल्स लॉ जो है वो एक ही चीज़ है। ये देखिए, आपको जो है मैं नेक्स्ट डायग्राम में दिखाती हूँ। ये रहा, देखिए कोरिओलिस फोर्स, या फेरल्स लॉ। ये आपकी पृथ्वी है, आप देख रहे हो इक्वेटर पे आपको लो प्रेशर दिखाई दे रहा है, जहाँ मैंने आपको पहले बताया कि प्रेशर एंड विंड्स में जो है आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को अफेक्ट या गवर्न करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसमें पहला प्रेशर एंड सरफेस एयर है ना, सरफेस विंड्स। सरफेस विंड यानी पृथ्वी पर चलने वाली हवाएं जो समुद्र से उठकर पृथ्वी पर चलती हैं, ठीक है। अपर एयर सर्कुलेशन जो होता है, अपर एयर सर्कुलेशन वो है आपका हाई प्रेशर या लो प्रेशर। देखिए ये है अपर एयर सर्कुलेशन, ठीक है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हवा जो है हाई से लो की तरफ चलती है। ये रहा, अच्छा यहाँ हाई पोल्स पे जो है हाई प्रेशर और इक्वेटर पे लो प्रेशर है, ऐसा क्यों? दैट इज़ आई विल गोइंग टू डिफाइन यू। देखिए आपके पोल्स पे नॉर्थ एंड साउथ वातावरण जो है ठंडा होता है, सूर्य की किरणें क्या होती हैं यहाँ पे तिरछी पड़ती हैं, इस वजह से क्या होता है यहाँ पे वेदर कंडीशंस जो हैं वो बहुत ही कूल होती हैं, ठीक है, तापमान जो है कम होता है। और विंड जो होती है, अपर एयर सर्कुलेशन की जब बात कर रहे हैं, तो विंड जो होती है वो अक्सर जो है ठंडे प्रदेशों में हाई प्रेशर होती है, ठीक है, क्योंकि आपका तापमान नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में कम होता है तो यहाँ हाई प्रेशर होता है। और हवा की जो गति होती है, मूवमेंट होती है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। और क्योंकि इक्वेटर ये बहुत ही गर्म क्षेत्र होता है तो यहाँ प्रेशर जो होता है, विंड प्रेशर जो होता है वो लो होता है। तो हवा का मूव कैसा होता है, मूवमेंट कैसा होता है आपके, हवा का मूवमेंट हाई से लो की तरफ, यानी नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ, फिर साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इतना समझ में आया, ठीक है। ये हुआ आपका अपर एयर सर्कुलेशन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब आप कोरिओलिस फोर्स की बात कर रहे थे, तो क्योंकि हवा जो है पोलर एरियाज से, क्योंकि देखिए कोरिओलिस फोर्स जो होता है वो बताता है आपका, देखिए पृथ्वी का जो डायमीटर है वो, देखिए पृथ्वी की गोलाई जो है वो एक बराबर नहीं है हर जगह पे, पोलर रीजन्स पे इसकी जो गोलाई है वो कम है, ठीक है ना, और यहाँ ज़्यादा है। तो जो गति होती है, पृथ्वी जो घूर्णन करती है तो गति जो है वो यहाँ ज़्यादा होती है और यहाँ कम होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कम होती है तो यहाँ से जो कोई भी ऑब्जेक्ट या हवा चलती है वो करीब करीब ठीक ही दिशा में होती है, ठीक है, उसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होता है, जो भी हवा चल रही है वो डाइवर्ट नहीं होती। लेकिन इक्वेटर तक आते आते जब हवा चलती है यहाँ कुछ ना कुछ स्थिर है, लेकिन यहाँ आने के बाद धीरे धीरे ये इस तरफ डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है, यहाँ। तो ये क्या है, नॉर्थ पोल पे अगर आप इक्वेटर की तरफ मुंह करके खड़े हो तो ये आपका जो है राइट होगा नॉर्थ पोल से, ठीक है, और फिर ठीक वही डाइवर्जन जो है आप सदर्न हेमिस्फीयर में देखते हो तो ये आप यहाँ अगर इक्वेटर की तरफ मुंह करके खड़े हो तो ये आपका लेफ्ट में जाता है, ठीक है। यही है कोरिओलिस फोर्स। कोरिओलिस फोर्स की वजह से ही विंड जब हाई प्रेशर या पोलर रीजन एरियाज से इक्वेटर की तरफ चलती हैं तो नदर्न हेमिस्फीयर में
नदर्न हेमिस्फीयर में वो राइट की तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये नहीं कि लेफ़्ट ये होगा, ठीक है, लेफ़्ट ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरफ खड़े हो, इस तरफ मुकर के, ठीक है, और नदन से इस तरफ मुकर के खड़े हो, तो यहाँ राइट की तरफ और यहाँ लेफ़्ट की तरफ। ऐसा क्यों है? देखिए, जब भी कोई चीज़ सामने इस तरफ चल रही है तो उससे टकराने वाली चीज़ या उसकी तरफ आने वाली चीज़ जो है वो इस तरफ जाएगी ना, टकरा के उसके विपरीत दिशा में जाएगी, ठीक है, ठीक उससे लगेगी नहीं। बात समझ में आ रही है? पृथ्वी का घूर्णन क्योंकि बाएं से दाएं की तरफ है तो कोई भी चीज़ जब इस पे टकराएगी तो वो हमेशा कुछ इस तरह से जाएगी, है ना, उसके विपरीत दिशा में जाएगी। दैट इज़ ऑल्सो द सेकेंड टाइप टू अंडरस्टैंड द फेरल्स लॉ और कोरोलिस फोर्स। ठीक है, तो कोरोलिस फोर्स आई थिंक अभी आपके समझ में आ गया होगा कि कोरोलिस फोर्स है क्या। कोरोलिस फोर्स की वजह से ही आप मॉनसून या उसका रिट्राइवल समझ पाओगे, तो कोरोलिस फोर्स को समझने की कोशिश करना ध्यान से। ठीक है, जेट स्ट्रीम भी आपका इसमें लिखा हुआ है। जेट स्ट्रीम क्या होता है? जेट स्ट्रीम दीज आर द नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाले स्थानों पर, माउंटेनियस एरियाज में, क्या हाई बेल्ट पे जो नैरो बेल्ट हाई एल्टीट्यूड पे नैरो बेल्ट एरियाज में जो वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं ट्रोपोस्फीयर में, आपको मैंने बताया ना साइक्लोनिक, थर्ड आपका पॉइंट क्या था, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस अपर एयर सर्कुलेशन, यानी ट्रोपोस्फीयर आप जान रहे हो, ट्रोपोस्फीयर आपकी सरफेस एयर नहीं है, ट्रोपोस्फीयर आपके जो है एटमोस्फियर का ही एक हिस्सा है, लिथोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और लिथोस्फीयर, हीमोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, हाँ, तो ट्रोपोस्फीयर में आपके जेट स्ट्रीम्स चलती हैं जो, क्योंकि आप हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, हाई एल्टीट्यूड यानी माउंटेनियस एरियाज या समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई, समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई का मतलब सरफेस एयर से है नहीं, ट्रोपोस्फीयर में चलने वाली वो हवाएँ जो बहुत तेज़ गति से चलती हैं, इनकी गति समर सीज़न में 110 किलोमीटर पर हार होती है, तो वहीं विंटर सीज़न में सिर्फ 184 किलोमीटर पर हार होती है। दैट आर द जेट स्ट्रीम्स, बहुत तेज़ी से ट्रोपोस्फीयर में चलने वाली हवाएं जिनकी गति नॉर्मल सरफेस एयर से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जेट स्ट्रीम के बारे में आपकी बुक में जो है और थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये देखिए, दीज आर नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड अबाउट 12,000 मीटर, वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फीयर, देयर स्पीड वेरीज फ्रॉम 110 किलोमीटर पर हार इन समर टू अबाउट 180 किलोमीटर पर हार इन विंटर, अ नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम्स, हैव बीन आइडेंटिफाइड, द मोस्ट कॉन्स्टेंट एयर आर द मिड लैटिट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। मिड लैटिट्यूड यानि इक्वेटर नहीं, मिड लैटिट्यूड यानि आपका जो इक्वेटर है या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो है आपके लैटिट्यूड्स हैं, मिड लैटिट्यूड में चलने वाली या सब ट्रॉपिकल एरियाज में चलने वाली, सब ट्रॉपिकल आपको पहले बताया, देखिए सब ट्रॉपिकल एरियाज ये हैं आपके, ये आपका ट्रॉपिकल आपका ये है, तो सब ट्रॉपिकल ये है, तो मिड लैटिट्यूड यानी ये जो लैटिट्यूड्स हैं इसका मिड यही है ना, लैटिट्यूड्स का मिड लैटिट्यूड ये है, मिडल लैटिट्यूड, तो ये मिडल लैटिट्यूड जो है वही सब ट्रॉपिकल एरिया भी है, सब ट्रॉपिकल, तो इसमें चलने वाली जेट स्ट्रीम्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना आपको समझ में आया होगा कोरोलिस फोर्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका है कोरोलिस फोर्स। हाँ, कोरोलिस फोर्स से पहले ही आपको ये समझना था कि प्रेशर क्या है, एयर प्रेशर। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, नॉर्थ ईस्टर्नी यानी उत्तर से पूर्व, उत्तर से पूर्व की तरफ चलने वाली हवा, यानी ऊपर से पूर्व की तरफ जो हवा चलती है
उस विंड्स में इंडिया रहता है. दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर. नदर्न हेमिस्फीयर की हाई प्रेशर विंड्स जो है चलता है. इंडिया में नदर्न हेमिस्फीयर से चलकर आने वाली विंड्स टकराती हैं, ठीक है. दे ब्लो साउथवर्ड, क्योंकि वो नदर्न हेमिस्फीयर से आती हैं, साउथवर्ड की तरफ आती हैं. तो गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट, गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट, ठीक है. ड्यू टू कोरलिस फोर्स, पहले ही बताया कोरलिस फोर्स की वजह से नॉर्थ से साउथ की तरफ आने वाली हवाएं जो हैं वो राइट की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, ठीक है. एंड मूव टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर, और इक्वेटर की तरफ आ ही रही है और इक्वेटर की तरफ आपके लो प्रेशर होता है ना. और नॉर्थ पोल जहाँ से वो आ रही है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, ठीक है. जनरली दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेटेड एंड ब्लो ओवर लैंड, देयर फॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन. क्योंकि ये लैंड की तरफ से आ रही होती हैं ये हवाएं, यहाँ से देखिए, क्योंकि ये हवाएं जो हैं आपकी लैंड की तरफ से आ रही हैं इसलिए इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है या नहीं के बराबर मॉइस्चर होता है. तो इसलिए भारत में तो वर्षा होनी नहीं चाहिए. हैंस इंडिया शुड हैव बीन एन अराइड लैंड, शुष्क एरिया होना चाहिए. बट इट इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं है. लेट अस सी व्हाई, चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है. देखिए आपका ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो कल मैं अपलोड करूँगी, ठीक है. गुड बाय क्लास.